उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में दिनांक 30 अगस्त 2021 की शाम को थाना रोजापुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर राशिद अली उर्फ कमल पुत्र मोहम्मद समी निवासी मोहल्ला आदर्श नगर थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर के घर पर अनुमति प्राप्त करने के उपरांत छापेमारी करके अवैध सट्टे का कारोबार कर रहे सट्टा माफिया बेदी के मुनीम शोभित उर्फ अंशु व उसके गिरोह के 3 अन्य व्यक्तियों क्रमशः राशिद अली उर्फ कमल फिरासत अली हसन उर्फ हीरो को 12 सट्टे की पर्ची 4 पैन व रजिस्टर 3 मोबाइल व 25,040 रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं अभियुक्तगढ़ के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, रोजा पुलिस ने एक सट्टा गिरोह का खुलासा किया है, इसमें कितनी गिरफ्तारी है, क्या बरामद की है? पुलिस अधीक्षक महोदय के कठोर निर्देश के अनुपालन में, जैसा कि महोदय के निर्देश है कि सट्टे पर पूरी तरह नियंत्रण किया जाए, रोजा पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। इसमें इन्होंने 4 सटोरियों की गिरफ्तारी की है, जिनके नाम राशिद, फिरासत, अली हसन और शोभित है। इनके पास से 25,000 रुपये नगद बरामद हुए हैं, रजिस्टर, सट्टा पर्चियाँ, पेन बरामद हुए हैं, 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। इनकी गिरफ्तारी करके पूछताछ की गई है और जानकारी की गई है कि इस कार में और कौन से लोग लिप्त हैं। कुछ और लोगों के नाम आए हैं जो लिख कर सट्टा कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके इन पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अखंड भारत न्यूज़ के लिए अरविंद सक्सेना की रिपोर्ट, शाहजहांपुर।